हेलो एवरीवन एंड टीचर फॉर योर क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास 1s2, 2s2, 2p5, 3s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूगरेशन है, तो शोन कंफ्यूगरेशन ऑफ। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूगरेशन किस एटम के लिए, किस आयन के लिए मैच हो जाएगा, ऐसा पूछा है। तो यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो यहाँ पे पहले शेल के अंदर दो, दूसरे के अंदर 2s के अंदर दो है, 2p के अंदर 5 है, और तीसरे के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये पहली शेल, ये दूसरी शेल और ये तीसरी शेल। तो यहाँ पे 2 + 7 + 2, इसका मतलब यहाँ पे 9 + 2 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किस एटम और किस आयन के अंदर ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 3+ है, तो एल्यूमिनियम के अंदर होते 13 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम के अंदर होते 13 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, तो एल्यूमिनियम 3+ बन गया। तो इसका मतलब इसके अंदर खाली 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो हमें 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे नियॉन देख सकते हैं, नियॉन, तो नियॉन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट मतलब वो खाली इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया है, तो वही एटम के अंदर रहेगा, एक्साइट भी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो वही एटम के अंदर रहेंगे। वहाँ पे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज नहीं हो जाता है एक्साइटेड स्टेट के अंदर। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे Mg+1 है, तो Mg के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है, तो इसके अंदर बचेंगे 11 इलेक्ट्रॉन और बाहर जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, और नन ऑफ दिस। तो ये ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 11 इलेक्ट्रॉन Mg++, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।